जय हिंद। नमस्कार मेरे शेयर शेयरियों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली नॉर्मलाइजेशन पर है, क्योंकि आप सबने आंसर की देख ली है। अब आपके मन में जो संदेह उग रहा है वो है नॉर्मलाइजेशन का, कि सर नॉर्मलाइजेशन है किसको कितना नंबर मिलेगा, हार्ड शिफ्ट वाले को ज्यादा नंबर मिलेगा या लो शिफ्ट वाले को। लेकिन मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप ये कैसे डिसाइड कर ले रहे हैं कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी या आपकी शिफ्ट लो थी? आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। आप उस शिफ्ट के सारे, क्या आपको पता चल जाता है कि जो जितनी शिफ्टों में पेपर हुआ था उनमें सबसे अच्छा पेपर आपका ही हुआ या सबसे हार्ड पेपर आपका ही था? आप जब सारे पेपर देख लोगे हर एक शिफ्ट के, तब तो आप डिसाइड कर सकते हो, पहले तो आप कर ही नहीं सकते। नॉर्मलाइजेशन का दूसरा एक ये कि सर जो क्वेश्चन गलत किए उससे नॉर्मलाइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बच्चों ने बहुत ज्यादा गलत कर दिए हैं, कईयों ने कम गलत किए हैं। मैं ये बोल रहा हूं नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना, वो पड़ता है कि आपके पेपर में नंबर कितने आए थे। उसके पीछे एक रीजन भी है, अभी मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि किसके, जैसे मैंने आपको बताया किसके प्लस 3 होंगे, किसके 5 होंगे, किसके 10 होंगे, किसके बिल्कुल भी नहीं होंगे। दिल्ली पुलिस में भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनके 0.5 अंक हुए और कई बच्चों के 9 नंबर प्लस हो गए, ठीक है। उसके पीछे जो रीजन है ना, वो एक फॉर्मूला काम करता है नॉर्मलाइजेशन का। इस फॉर्मूला के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, वो आप वीडियो एक बार देख लोगे ना तो अपने आप अपने नंबर आप पहचान लोगे कि आपके नंबर कितने बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। लेकिन वो फॉर्मूला कौन सा, मैं आपको बताता हूं। नॉर्मलाइजेशन करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, ये जो फॉर्मूला है ना ये, ठीक है, इसको मैंने डिटेल में समझाया उस वीडियो में, उसका लिंक दे दूंगा। इस फॉर्मूले के अनुसार इसमें मैंने सब कुछ बताया उस वीडियो में, ये जो डिटेल में आपको बता रहा हूं उसमें क्या क्या मैटर करता है। देखो उसमें मैटर करते हैं कि आपकी शिफ्ट में सबसे टॉपर बच्चा कौन है, एक तो वो मैटर करता है। आपकी शिफ्ट में जो सबसे ज्यादा नंबर अचीव किया ना, ये तो वो बच्चा मैटर करता है। एक आपकी शिफ्ट में ओवरऑल बच्चों के औसत अंक कितने हैं वो मैटर करते हैं। आपके खुद के अंक कितने हैं वो मैटर करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने सही किए। ओवरऑल भले आपने 80 के 80 क्वेश्चन अटेंड किए, मान के चलो दो बच्चे हैं, एक में एक बच्चा दूसरा और है, उसने 50 क्वेश्चन अटेंड किए, उसके 50 के 50 सही है, मैंने 80 क्वेश्चन अटेंड किए और मेरे 80 में से 60 या 70 सही है, तो नॉर्मलाइजेशन में उसको अंक ज्यादा मिलेंगे या मुझे? ये मैटर उसके गलत क्वेश्चन करने से या सही करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन के जो फॉर्मूला है ना, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा जाता कि कितने क्वेश्चन गलत किए। उसमें क्या क्या लिखा जाता है मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। देखो ये तो है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, और इसमें जो जो चीजें काम में आती है ना वो क्या क्या आती है, देखो जिस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन निकलता है उस शिफ्ट में जो उम्मीदवार के सामान्यकृत अंक, यानी जो सबसे टॉप उम्मीदवार है उसके सामान्यकृत अंक, सभी पालियों पर विचार करते हुए 0.1% उम्मीदवारों के औसत अंक, यानी सभी पारियों में जो सबसे टॉप लड़के हैं कितने परसेंट, 0.1% उनका औसत अंक वो काम में आता है नॉर्मलाइजेशन में। ये सभी पारियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा में उम्मीदवारों के माध्य और मानक विचलन अंक, उनके माध्य और मानक विचलन अंक जो निकालते हैं ना, माध्य और मानक विचलन वो काम में आता है। पहली पारी में शीर्ष, यानी जिस पारी का निकल रहा है उस पारी में शीर्ष 0.1% जो बच्चे हैं उनके अंक काम में आते हैं औसत अंक। जिस पारी का निकाल रहे हैं उस पारी के माध्य अंक और मानक अंक वो भी काम में आते हैं इस फॉर्मूले में। ये जे अभ्यर्थी के उम्मीदवार द्वारा आई पाली में प्राप्त वास्तविक अंक, यानी उसको वास्तविक में अंक कितने मिले, जिस विद्यार्थी का निकाल रहे हैं ना उस विद्यार्थी को वास्तव में, यहां जो जे है ना वो विद्यार्थी ध्यान रखना, जो उम्मीदवार के सामान्यकृत अंक, यानी ये है इसका मतलब है नॉर्मलाइजेशन के अंक बराबर। फॉर्मूला शुरू होता है ना कि साधारण ब्याज बराबर, वैसे ही आई शिफ्ट के जे उम्मीदवार के सामान्यकृत अंक बराबर, फिर आगे ये चीजें लिखी जाती है। यानी इसमें कहीं पे भी ये लिखा हुआ है कि उसने कितने क्वेश्चन गलत किए उसके अंक, या कितने क्वेश्चन अटेंड किए उसके अंक, कहीं भी इस फॉर्मूले में नॉर्मलाइजेशन के लिए ये फॉर्मूला काम में आता है। मैंने डिटेल से समझा रखा है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अच्छे से देखना। कोई मैटर नहीं करता आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए कितने गलत किए, सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है कि आपने कितने अंक प्राप्त किए, आपकी पारी में टॉप 0.1% जो बच्चे उनके नंबर कितने आए, पूरी सारी शिफ्टों में सबसे टॉप 0.1% बच्चों के टॉप स्कोर क्या है, और उनके मानक और माध्य विचलन अंक, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने क्वेश्चन सही और कितने गलत किए। नॉर्मलाइजेशन के बारे में जो भ्रांतियां ना उनसे थोड़ा दूर हटो, और वो वीडियो देखते हैं आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है लाडलो। जय हिंद जय भारत।